हाय दोस्तों, तो आप लोगों ने बहुत सारी फिल्में देखी होगी, लेकिन फिल्मों के नाम पे और स्पेशली सीक्वल के नाम पे तो हमेशा लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। और आज हम लोग जिस फिल्म की बात करें, ये जो फ्रेंचाइज है, ये फ्रेंचाइज आज का नहीं है। इस फ्रेंचाइज की पहली मूवी आई थी 1995 में बैड बॉयज, और उसके बाद 2003 में आपको देखने मिलती बैड बॉयज 2। अब फाइनली 2020 में आई है बैड बॉयज 3। देखिए, इस मूवी के बीच में इतना गैप क्यों होता है मालूम? उसकी वजह है विल स्मिथ। विल स्मिथ एक ऐसे एक्टर है जो कोई भी मूवी में काम करने से पहले वो स्क्रिप्ट अच्छे से पढ़ते हैं, और वो एक ऐसे एक्टर है वो आपको कभी भी निराश नहीं करते। लेकिन कुछ ऐसी फिल्में विल स्मिथ के भी करियर की है जो आपको देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा क्यों देखने आ गए। प्रीवियस मूवी जेमिनी मैन की बात करें तो जेमिनी मैन बहुत ज्यादा निराश की थी। उसकी जो स्टोरी थी, जो प्लॉट था, बहुत ज्यादा प्रिडिक्टेबल था, और विल स्मिथ से ये उम्मीद नहीं थी। तो खैर, उस मूवी से जो भी आपको गुस्सा आया था, ये मूवी आपको पूरा का पूरा एंटरटेन करेगी, आपका पैसा वसूल है। और मैं आपको इतना बता दूं कि ये मूवी में आपको कहानी के बारे में कुछ ज्यादा स्पॉइलर तो नहीं दूंगा, हाँ, लेकिन एक चीज बता सकता हूँ कि विल स्मिथ को कोई एक अनजान शख्स गोली मारता है। वो अनजान शख्स कौन है और क्या उसके बाद विल स्मिथ उससे किस तरह से बदला लेते हैं, ये सब कुछ जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। इस मूवी के बारे में और भी कुछ बता सकता था, लेकिन मैं चाहता हूँ कि देखिए, आप लोग जब टिकट लेते हो तो आपका पैसा वेस्ट होना ही चाहिए। अगर आप इस हफ्ते कोई मूवी देखने का सोच रहे हो तो ये मूवी 100% आपको जाके देखना ही चाहिए, क्योंकि इस फ्रेंचाइज के अगर आप फैन हो ना, तो मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि प्रीवियस जो भी इसकी फिल्में थी उसमें आपको स्टोरी के मामले में इतनी कुछ खास नहीं थी, लेकिन एक्शन बहुत ही लाजवाब था। यहाँ पर आपको स्टोरी देखने को मिलेगी, और एक्शन के बारे में इतना ही बोलूंगा, हाँ, मुझे बैड बॉयज 2 का एक्शन ज्यादा अच्छा लगा था इसके कंपेयर में। हालांकि इसमें आपको अच्छी अच्छी चीजें देखने को मिल जाएगी, क्योंकि इसे डायरेक्ट किया है आदिल और बिलाल ने। इससे पहले माइकल बे सर जो दोनों फिल्मों को डायरेक्ट करते थे, और माइकल बे सर के जो फिल्मों में एक्शन होते हैं वो एक अलग ही लेवल के होते हैं। मतलब बड़ी बड़ी कार्स, ये वो, मतलब उनकी जो एक्शन शूट करने का जो तरीका है ना, वो बिल्कुल भी हॉलीवुड में कोई भी डायरेक्टर उस तरह से नहीं करता है, और वो एक्शन के लिए जाने जाते हैं। हालांकि उनकी फिल्मों में आपको कहानी बहुत कम देखने को मिलती है। खैर, इस मूवी में आपको कहानी, एक्शन, कॉमेडी, इमोशनल सीन सब कुछ देखने को मिलेगा, और 2 घंटे आपके कहां जाते हैं बिल्कुल भी पता नहीं चलता। और विल स्मिथ सर को स्क्रीन पर देखो तो ऐसा लगता है कि मतलब बिलीव नहीं कर सकता कि आज वो उनकी एज 50+ है। आज भी ऐसा महसूस होता है कि भाई वो 25 या 30 ईयर्स के, भाई वही एनर्जी, वही उनका लुक, मतलब बिल्कुल भी लुक में चेंज हुआ नहीं। बस ऐसा लगता थोड़े से बल्कि हो गए और कुछ भी नहीं, क्या जबरदस्त है। लेकिन इस फिल्म में मुझे शॉक किया वो है मार्टिन लॉरेंस ने। मैंने सोचा नहीं था कि वो आज भी उनमें वो सब चीजें है जो परफॉर्मेंस कर सकते हैं, लेकिन यार बहुत ही जबरदस्त ब्रिलियंट परफॉर्मेंस दिया, और दोनों की जोड़ी इतनी अच्छी लगती है कि ये मूवी कहीं से भी आपको बोर करेगी नहीं, बिल्कुल भी नहीं करेगी। तो अगर इस हफ्ते आप लोग कोई मूवी देखना चाहते हो तो ये मूवी जाके जरूर देखना, और अगर आप विल स्मिथ के और इस फ्रेंचाइज के फैन हो तो ये 100% ये मूवी आप लोगों को बिल्कुल पसंद आएगी। देखिए, अब मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, मैं इस मूवी के बारे में और भी बातें कर सकता था, लेकिन जैसे कि आप लोगों को पता है कि आज बॉलीवुड में काफी फिल्में रिलीज हो रही है, तो सैफ अली खान सर की मूवी भी आज रिलीज हुई है, लेकिन मुझे रिव्यू करना है नेटफ्लिक्स की एक सीरीज का, जो कि आधी मैंने देख चुका हूं, आधी बाकी है, तो मैं फट से इस वीडियो के बाद वही कंटिन्यू करके उसका रिव्यू करने वाला था, इसलिए मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। बस मैं आप लोग से इतना ही बोलूंगा कि ये मूवी नहीं देख रहे हो तो यार इस मूवी को जाके जरूर देखना, ये मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूं। और अरहान एंटरटेनमेंट का मकसद यही है कि जो अच्छी अच्छी चीजें हैं वो आप तक जरूर पहुंचे, क्योंकि आप लोगों के पैसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भाई पैसे तो सबके इंपॉर्टेंट होते ना, मेरे भी इंपॉर्टेंट है। खैर, पैसे तो सबके इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन मैं नहीं चाहता कि बेमतलब की चीजें आप सिर्फ एक्टर को देख के जाइए, ऐसा कुछ मत करो। हाँ, ये मूवी जरूर जाके देखिए, विल स्मिथ के लिए, इसकी एक्टिंग के लिए, विल स्मिथ के लिए, स्टोरी के लिए, एक्शन के लिए, कॉमेडी के लिए, कुछ हल्के फुल्के इमोशनल सीन्स के लिए, बस जाइए, एंजॉय करेंगे, कहीं से भी आपको शिकायत नहीं होगी। और हाँ, जिसको ये मूवी पसंद नहीं आएगी वो यहाँ पर आपके अपने दिल की भड़ास निकाल सकते हो, तो हमारे चैनल पे आप सबका स्वागत है अरहान एंटरटेनमेंट में। तो बस भाई, इस वीडियो में इतना। अगर आपको वीडियो जरा भी अच्छा लगा तो भाई लाइक करें, चैनल करें, सब्सक्राइब, तो साथ ही बेल आइकन उसे भी ऑल का ऑप्शन दबा देना। और हाँ, इस वीडियो की लिंक को ज्यादा शेयर करना, क्योंकि आप लोगों का प्यार जिस तरीके से मुझे मिल रहा है, मैं जानता हूं कि आज नहीं तो कल जो सब्सक्राइब नहीं किया वो भी जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मुझे यकीन है आप लोगों पर, अपने आप पर और अल्लाह पर। तो बस मिलता हूं मैं कल किसी नए वीडियो, टिल देन बाय।